टीवी के इतिहास में कई ऐसे एक्टर्स रहे हैं जिन्होंने कृष्ण बनकर पर्दे पर इस रोल को जीवित कर दिया। धर्म मनुष्य को विनाश के पथ पर आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करता है। इन सीरियल के जरिए दर्शकों ने भी कृष्ण को खूब प्यार दिया। कुछ एक्टर्स तो ऐसे रहे कि असल जिंदगी में लोग उन्हें भगवान समझकर पूजा करने लगे थे। रविवार की सुबह 9 बजे टीवी से चिपके लोगों को आपने देखा ही होगा। मासूम सी मुस्कान के साथ भगवान श्री कृष्ण का दमकता हुआ चेहरा हर किसी के जहन में आज भी ताजा है। भगवान श्री कृष्ण के इस किरदार को जिन्होंने निभाया था उनका नाम सर्वदमन डी बैनर्जी है। उनकी लाजवाब एक्टिंग और मनमोहक मुस्कान की दुनिया आज भी दीवानी है। इस रोल को करने के पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी है जिससे शायद हर कोई अनजान है। सर्वदमन डी से जुड़ा यह रहस्य बेहद दिलचस्प है। इसे सुनकर आपके दिल में सर्वदमन जी के लिए और भी सम्मान बढ़ जाएगा। यूपी के उन्नव जिले में 1965 को जन्मे सर्वदमन का बचपन से ही अध्यात्म की ओर था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे अभिनय के क्षेत्र में आएंगे, लेकिन बाद में बड़े पर्दे पर आए, जिसके बाद वे टीवी पर काम करने के इच्छुक नहीं थे। जब रामानंद सागर ने डी सर्वदमन जी को कृष्णा का रोल ऑफर किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। सागर के काफी कहने के बाद उन्होंने शिव की भूमिका करने की मांग की थी, लेकिन कृष्ण के लिए उन्होंने मना कर दिया था। रामानंद सागर ने जब उन्हें कृष्ण के किरदार का ऑफर दिया तो उन्होंने मना करते हुए कहा कि वे यह रोल नहीं कर सकते क्योंकि उनमें शिवा है, कृष्ण नहीं। उन्होंने 7 दिन का आत्मचिंतन के लिए मांगा था। आत्मचिंतन के दौरान ही सर्वदमन डी ने भगवान कृष्ण से शर्त रखी कि हे प्रभु, अगर मैं सचमुच ही आपके किरदार के लिए परफेक्ट हूं तो मुझे दर्शन दे। इस बीच वे ऑटो में बैठ फिल्म डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य के घर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में उन्हें समुद्र की लहरों पर अद्भुत नजारा दिखाई दिया। शाम के वक्त सर्वदमन ने समंदर की लहरों पर एक बाल रूपी कृष्ण को नृत्य करते हुए देखा तो वे ऑटो में ही बेहोश हो गए। और जैसे ही उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा कि रामानंद सागर के पास ले चलो। यह रोल इतना गजब था कि जब भी लोग भगवान की पूजा करते हैं सर्वदमन जी की इमेज उनकी आंखों में उतार लेते हैं। रामानंद सागर ने सर्वदमन को यह रोल उनके चेहरे के हसमुख हाव भाव, चेहरे पर तेज, जुबान पर सरस्वती और आवाज में जादू को परख कर दिया था। मगर रामानंद सागर की तरफ से बनाए गए सीरियल श्री कृष्ण के बाद सर्वदमन डी बैनर्जी इसके बाद उन्हें इसी तरह के कई शोज ऑफर हुए जिनमें वे नजर आए, जैसे कि अर्जुन, जय गंगा मैया और ओम नमः शिवाय। इन सभी शोज में सर्वदमन डी बैनर्जी ने भगवान कृष्ण का ही रोल प्ले किया था। टीवी के अलावा सर्वदमन डी बैनर्जी ने अपने करियर में कई आध्यात्मिक फिल्मों में भी काम किया। इन फिल्मों के जरिए आदि गुरु शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों के किरदार को उन्होंने रूप पहले पर्दे पर उतारा। उन्होंने कई रीजनल फिल्मों में भी काम किया और कई बंगाली फिल्में और तेलुगु फिल्मों में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग का जौहर दिखाया। सर्वदमन डी बैनर्जी ने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म एमएस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी में भी काम किया था। इस फिल्म में वे सुशांत सिंह राजपूत के कोच के तौर पर नजर आए थे। फिल्म के महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी पर आधारित होने की वजह से उनके किरदार को ज्यादा तरजीह नहीं मिल पाई। सर्वदमन डी बैनर्जी आज कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं, ये सवाल कई फैंस के दिलों में है। तो आपको बता दें कि सर्वदमन डी बैनर्जी फिलहाल उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक एनजीओ चला रहे हैं जो बच्चों की मदद करता है। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि केवल एक्टिंग की दुनिया में फुल टाइम 40 से 45 साल तक ही काम करना चाहते थे। यह वक्त पूरा होने के बाद उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से बच्चों की सेवा में झोंक दिया। सर्वदमन भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले इंसान हैं। आज सर्वदमन डी बैनर्जी की एजेंसी की मदद से तकरीबन रोजाना 200 बच्चों को खाना मिलता है और उन्हें शिक्षा के साथ साथ समाज में खुद को स्थापित करने का गुर भी सिखाया जाता है। इस इंसान के लिए आपके दिल में क्या भावना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।